बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बुधवार को धार्मिक नगरी वृंदावन पहुंचे, जहां उन्होंने गोरेलाल कुंज व रसिक बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना कर संतों का आशीर्वाद लिया। इस दौरान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दर्शनों के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी पड़ी, जिसके चलते पूरे परिसर में भगवान राम व बाकी बिहारी के जयकारों से पंडाल अनुगुंजित हो गया। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री धार्मिक नगरी वृंदावन पहुंचे, जहां उन्होंने गोरेलाल कुंज व रसिक बिहारी मंदिर में पूजन अर्चन कर संतों का आशीर्वाद ग्रहण किया। इस दौरान मीडिया से रूबरू हुए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, जब मथुरा में भी भगवान श्री कृष्ण जल्द भव्य मंदिर में विराजमान होंगे, वहीं उन्होंने ब्रज क्षेत्र में खुलेआम बिकने वाली शराब की बिक्री पर भी अंकुश लगाए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि ब्रज क्षेत्र भक्तों की आस्था का केंद्र है। सरकार से अनुरोध है कि धार्मिक नगरी वृंदावन के 20 किलोमीटर के क्षेत्र के अंतर्गत मांस मदिरा की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगाए जाएं, जिससे कि ब्रज क्षेत्र की गरिमा बनी रहे। श्री सीताराम भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, राधे राधे श्री हरिदास। आज जो है पावन तीर्थ श्री ठाकुर जी की लीला भूमि श्री धाम वृंदावन में सभी महापुरुषों के दर्शन करने को आए हैं, और हमारे ब्रज के सरमौर्य और संतों के सिरमौर पूज्य श्री गोरीलाल कुंज में पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद लेने, मलुकपीठ वाले महाराज जी का आशीर्वाद लेने के लिए सभी महापुरुष पावन तीर्थ बागेश्वर धाम के बुंदेलखंड महाकुंभ में गए थे। वहाँ पर जो है खूब ब्रज का रस प्राप्त हुआ, वृंदावन आकर बहुत अच्छा लगा। होली महोत्सव यहाँ दिव्य और भव्य हुआ, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ। बस ब्रज के आसपास के 20 किलोमीटर से अगर मदिरा विक्रय मांस विक्रय बंद हो जाए तो वृंदावन स्वर्ग से प्यारा तो है ही है, हमको बहुत प्रसन्नता हो। इससे पूर्व उन्होंने संतों का आशीर्वाद ग्रहण किया। मून न्यूज के लिए जीवनदीप कल्याण की रिपोर्ट।